दोस्तों चाइना में ऑनर 9X 14,000 के प्राइस रेंज में लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको किरिन का 810 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 730 के स्नैपड्रैगन से बहुत बढ़िया है, काफी पावरफुल भी है। साथ में एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और 48 MP का रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो क्या है इसी फोन के सारी डिटेल्स, इंडिया में ये फोन कब तक लॉन्च होगा और इसकी इंडियन प्राइसिंग क्या होगी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो माई नेम इज राहुल एंड यूर वॉचिंग हम टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात करें इसके डिजाइन की, सबसे पहले तो एक 3D ग्लास पैनल जो कि ग्लॉसी फैब्रिक के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि देखने में काफी गुड लुकिंग है। साथ में एक पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि आज का ट्रेंड बन चुका है, और बैक के साइड में आपको 48 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रियर माउंटेड साइड में होने वाला है, जैसा कि आपको ऑनर के व्यू 20 में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बात कर ले फ्रंट साइड की, तो डिस्प्ले जो है 6.59 इंच का एक OLED फुल व्यू डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलने वाला है, और इस फोन में कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगी, जिसके वजह से जो कैमरा है वो आपको पॉपअप सेल्फी के रूप में दिया गया है इस स्मार्टफोन में, जो कि आजकल का एक नया ट्रेंड बन चुका है सारे स्मार्टफोन के लिए। बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो बैक में आपको डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 48 MP होगा प्राइमरी सेंसर, और सेकेंडरी जो सेंसर है वो 2 MP का होगा, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर बात करें इसके फ्रंट साइड की, तो एक 16 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो किरिन का 810 इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि माली के G72 के सपोर्ट के साथ आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पाई होने वाला है, जो कि MIUI के ऊपर बेस होगा। और साथ ही में बात करें इसके रैम वेरिएंट की, तो 3 RAM वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। 4GB RAM, 64GB इंटरनल, 6GB RAM, 64GB इंटरनल एंड 6GB RAM एंड 128GB इंटरनल। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में कितना धमाका मचा पाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलने वाली है, जो कि NFC के सपोर्ट के साथ आएगी, साथ में फास्ट चार्जिंग और 3.5 mm जैक, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है फास्ट चार्जिंग, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, तो चाइना में इसका जो वेज वेरिएंट है वो 1399 युआन में लॉन्च हो चुका है, जिसका इंडियन प्राइसिंग 14,000 to 15,000 के अंदर ही रहने वाला है। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाता है, तो Realme X और Redmi K20 को आसानी से किल कर देगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर इसमें 810 किरिन का प्रोसेसर काफी दमदार प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन के 730 से तो बहुत ही बेहतरीन है। साथ में इसी स्मार्टफोन का जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो 25,000 के स्मार्टफोन से नीचे वाले स्मार्टफोन में काफी जबरदस्त होने वाला है, जो कि आज तक किसी फोन ने प्रोवाइड अभी तक नहीं किया है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट की, तो चाइना में ये स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में ये स्मार्टफोन अगस्त के एंड तक या सितंबर के स्टार्टिंग वीक तक गारंटी लॉन्च हो जाएगा। साथ में किरिन का 810 और पॉप सेल्फी तो देखने को मिलने ही वाला है, जो कि आज तक किसी स्मार्टफोन ने नहीं दिया था। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।